Hello friends, NCERT Maths Class 9th Exercise 1.3 Question 2. You know that 1 by 7 is equal to 0.142857 bar. ये इसकी वैल्यू दी हुई है. कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ. तो हमें बताना है ये वैल्यू दी हुई है और हमें बताना है कि 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7 और 6 by 7 की बिना किसी लॉन्ग डिवीजन किए किस प्रकार से डेसिमल एक्सपेंशन हम निकालेंगे. तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जो गिवन है, हमें दिया हुआ है 1 by 7 is equal to 0.142857, करेक्ट. ये इसके ऊपर बार लगा हुआ है. अब हम इससे वैल्यू निकालेंगे 2 by 7 की. तो 2 by 7 is equal to क्या हो जाएगा, 2 into 1 by 7 ऐसे हम लिख सकते हैं. और 2 into 1 by 7 की हम वैल्यू यहां से रख देते हैं 142857 और इसका बार. अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 द 14 कैरी 1 2 5 द 10 प्लस 1 11 कैरी 1 2 8 द 16 प्लस 1 17 कैरी 1 2 2 द 4 प्लस 1 5 और 2 4 द 8 और 2 1 द 2 और डेसिमल और 0 और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे. तो इस तरह से आंसर आ गया. इसी तरह हम 3 by 7 का निकालते हैं. तो 3 by 7 के लिए क्या करेंगे, हम इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 3 into 1 by 7. तो 3 into और 1 by 7 की हम यहां से वैल्यू रख देंगे 142857 इसका बार. अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 7 द 21 2 आया 3 5 द 15 और 2 17 फिर 1 आया 3 8 द 24 प्लस 1 25 हो गया 2 आया 3 2 द 6 और 2 8 और 3 4 द 12 12 का 2 कैरी 1 3 1 द 3 प्लस 1 4 तो ये आ गया 0.042857. और इसी प्रकार से हम ये सारी वैल्यूज निकालते जाएंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे. अब तो बिल्कुल आपको आसानी से इसको समझ में आ गया होगा. देखिए 4 बाय 7 का निकालना है तो 4 into 1 by 7 इज इक्वल टू 4 into 0.142857 और इसका बार. और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपना, यहाँ पे भी बार लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ बार लगाना नहीं भूलना है. तो 0.5714 और 28 और इसका बार आ जाएगा. इसी तरह हम 5 by 7 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 into 1 by 7 इज इक्वल टू 5 into और इसकी वैल्यू रख देंगे 0.142857 और इसका बार. तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.714285 और इसके ऊपर बार लगा देंगे. इसी प्रकार हम 6 by 7 की वैल्यू निकाल लेंगे. सो 6 by 7 को हम लिख सकते हैं 6 into 1 by 7 तो इज इक्वल टू 6 into 1 by 7 की हम वैल्यू रखेंगे 0.142857 और इसका बार लगा देंगे इज इक्वल टू. अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको 6 7 द 42 4 आया 6 5 द 30 प्लस 4 34 कैरी आया 3 6 8 द 48 48 प्लस 3 51 5 आया 6 2 द 12 प्लस 5 17 कैरी आया 1 6 4 द 24 प्लस 1 25 कैरी आया 2 और 6 1 द 6 प्लस 2 8 और यहाँ पे डेसिमल और ये 0 आ जाएगा और इसके ऊपर बार आ जाएगा. तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी 6 by 7 की वैल्यू हो जाएगी 0.857142 बार. तो फ्रेंड्स मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी. इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकें. थैंक यू वेरी मच.